जो किसान और खेत मजदूर की हालत है वो बहुत दयनीय है, तो उनके पास और कोई भी चारा नहीं होता है। और अगर आप पंजाब के कर्ज की बोलें तो बोलते पर किसान हमारे ऊपर 3 लाख का कर्ज है, और लगभग कहते हैं पर देश के हर किसान के ऊपर 75-74 हज़ार का कर्ज है। उसके बाद जो केरला या अन्य राज्यों के ऊपर भी कर्ज अधिक है। तो ये इस हालत से हमें निकालने के लिए जो हमने पीसफुली ढंग से आंदोलन का रास्ता अपनाया था, तो आज वार्ता हो रही है और जो हमने केंद्र के समक्ष अपनी बात रखी है कि देखिए जो खेती संकट है इस समय बहुत बड़ा हो गया है, पूरा जो WTO की नीतियां हैं या जो कारपोरेट घराने जिस तरह से खेती में आ रहे हैं, तो वो उसको अगर ना रोका गया और हमें MSP खरीद की गारंटी का कानून ना बना के दिया गया, तो पूरी तरह हम खेती से बाहर हो जाएंगे। और ये हमने यूरोप और अमेरिका कनाडा में पहले देखा है, इसके बावजूद वहाँ की खेती जो हो चल रही है। अब यूरोप का आंकड़ा देखो तो पर सेकंड एक किसान खेती छोड़ रहा है, तो हमारी हालत और भी है। और आज देखेंगे भी मंत्री महोदय किस मूड से आते हैं, हम तो अपनी ओर से पॉजिटिव मूड से जाएंगे और ये आशा करेंगे भी आज कोई ना कोई केंद्र का निर्णय हमें मिले और कुछ ना कुछ आगे गतिरोध बढ़े। और MSP खरीद की गारंटी का कानून और जैसे C2+50% ये बात और किसान मजदूर की कर्ज माफी, ये बड़ी मांगे हैं। और हम जब केंद्र कमेटी की बात कहता है तो हम बोलते हैं भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो तब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने तब MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाने की बात स्वयं लिखी थी, कही थी, और वो जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी वो कि बहुत सी स्टडी के ऊपर निर्भर थी। उसके अलावा हमने कहा 2018 में तत्कालीन खेतीबाड़ी मंत्री ने हमें लिख कर दिया है C2+50% के अनुसार आप फसलों के दाम हम निश्चित करेंगे, तो हमने जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला भी उनके सामने रखा है कि किसी भी किसान की जो MSP से नीचे फसल नहीं बिकनी चाहिए। और देश दुनिया की और भी स्टडी के बारे में बोल रहे हैं, और इसलिए आज हम चाहेंगे और हम फिर अपील करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप जो मंत्रिमंडल यहाँ पहुँच रहा है स्वयं बात कीजिए। गृह मंत्री जी से बोलते हैं निर्णय तो देश के प्रधानमंत्री जी ने करना है, अगर उन्होंने विल पावर दिखा दी तो मुझे लगता है समस्या का समाधान निकल जाएगा, अन्यथा हमें पीसफुल आंदोलन करने का हक देना चाहिए। तो आज की वार्ता में हम आशा करेंगे कि कोई ना कोई बात बड़ी जो निकल के हमारे सामने आए।